हाय दोस्तों, आप स्वागत है आपका दोबारा आपके चैनल पे हैंग ब्लॉग पे। आज का हम टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रॉइड्स के बारे में। जी हाँ, जो कि लोग बहुत उत्सुक हैं आजकल स्ट्रॉइड्स को लेके। भाई बॉडी जो 3 महीने में कवर करनी है उनको, दो ढाई महीने में ऐप्स जो बनाने हैं, इसलिए ना बाज आ जाओ, छोड़ दो सब चीज़ें। ये शॉर्ट गोल हमेशा आपको नुकसान पहुँचाता है, हमेशा इसका याद रखो, ध्यान रखो, कोई फायदा नहीं है ये सब लेने का। यार अभी चलो आपने अभी बॉडी बना ली, अब आपको पता है वो आपके अंदर जाके क्या कर रहा है, आपके कितनी किडनी, कितने लीवर, क्या क्या हिला चुका है वो, या फिर आपका हार्ट का जो आपको हार्ट अटैक्स आते हैं उस पर कितने चांस होते हैं, बीपी हाई करने के कितने चांस होते हैं, एग्रेशन उसमें कितना ज़्यादा होता है जब लेते हो, एक्सिंग मोड पर आप आ जाते हो, बहुत 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 स्पर्म काउंट आपका बहुत लो करते हैं, जो नॉर्मल टेस्ट आपके वर्क करते हैं वो उससे भी एकदम लोअर पर ले आता है, आप उसको नेचुरल द्वारा रिकवर नहीं कर सकते, एक्ने होते हैं, कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, बहुत 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 चीज़ें। तो इनसे दूर रहो, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में घुसने का। लॉन्ग टर्म हमेशा, जब भी कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग का कहना है, जब भी आप एक लंबा रास्ता सुनते हो ना, तो उस रास्ते पे कहीं ना कहीं आपको कामयाबी भी जरूर मिलती है। ये फैक्ट बात है, जितना शॉर्टकट आप इस्तेमाल करोगे रास्ता होगा तो बढ़िया, दिखने में तो शॉर्टकट होगा, नाम भी शॉर्टकट है, शॉर्टकट से जल्दी मिलता है और जल्दी ख़त्म होता है, तो फ़ायदा नहीं है इसका, नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो अपना नेचुरल चलो। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है या फिर मैन फिजिक सब है तो चलता है, आपका समझ में आता है, मगर जो जिम्स गोल्स हैं अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, प्लीज़ ये सब स्वेट्स दूर रहो। तो आज का हम टॉपिक कवर करेंगे डेल्ट्स के बारे में। डेल्ट्स जिसको आप शोल्डर्स भी बोलते हैं, तो इसमें 3 मसल्स होती हैं, एंटीरियर, आपका लिटरल, आपका पोस्टीरियर, ठीक है। आज हम ये कवर करेंगे, इससे आज इसमें क्या करेंगे जिसमें आपका मसल गेन भी हो, डेल्ट्स आपके चिड़ी शेप में भी आए और साथ में आपका जो फैट लॉस भी हो, ठीक है। थोड़ा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या क्या करेंगे आज। तो प्लीज़ को फॉलो करें, जैसे मैंने आपको बोला था 8 हफ्ते कम से कम इसको फॉलो करें, 8 हफ्ते में 4 हफ्ते तो कम से कम इसको टिक के फॉलो करें, जब आपको डेल्ट दिखना स्टार्ट होगा आप पूरा 4 हफ्ते दोबारा अपना खींच लोगे। तो प्लीज़ फॉलो करें और मेरे साथ बने रहें। देखो आपने वॉर्म कर लिया, वॉर्म करने के बाद सबसे पहले आपको हिट करना है आपका लिटल साइड रेस, लिटल साइड रेस भी बोल रहा हूँ, इसमें काफ़ी जब आप थ्री शेप जो मेन देता है ना, लिटल साइड देता है आपको, जो मसल जो शोल्डर गेन दिखाता है, ब्रॉड दिखाता है, वो लिटल साइड दिखाता है। तो इसलिए मैंने पहले सबसे पहले हिट करा है साइड रेस, और एंड में लेना है आपको ड्रॉप सेट। जी हाँ, ड्रॉप सेट आपको एंड में लेना है, 3 सेट आपको नॉर्मल निकालना, जो भी आपने नॉर्मल निकालते हो। ड्रॉप सेट का मतलब ये होता है कि जब तक फट के बाहर नहीं आती, मतलब जब तक आप बिल्कुल थक नहीं आते, तब तक आपको लास्ट टिल द फेलियर आपको रैप्स निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग करी है, देखो मैंने पहले अपने तीन सेट निकाले, 10-10-10 के वेट अपने अकॉर्डिंग रखा मैंने, आप भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं वेट, बिगनेस और बिगनेस के हिसाब से रखना और इंटरमीडिएट हिसाब से रखना। तो मैं स्टार्ट करूँगा 12:30 से, 12:30 से रेंज लेके मैं अपने 2:30 पर आऊँगा। तो ऐसे ही आपको करना है, वो रखते हैं इंटेंस फोकस रखना है, किसी पे कोई ध्यान नहीं है, कोई फोकस नहीं ना वो लड़की बाजी, ठीक है, अपना ध्यान रखो, फोकस एकदम वर्कआउट पे। तो मैंने रैप रेंज 8 से 10 ऐसे रखी रैप रेंज, आप हो सके तो मैंने सिर्फ रैप रेंज रखी अपने 8 से 10, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं रैप रेंज में, मतलब आपको टिल द फिलर जाना, जब तक आपकी जो लिटल मसल है उसमें एक बर्निंग फील, सेंसेशन फील आपको जब तक ना हो ना, तो ले जाओ, रिजल्ट जल्दी मिलेगा दोस्त, जब तक कम्फर्ट जोन में रहोगे, ये आपका कम्फर्ट जोन, और बाहर निकलोगे तो कम्फर्ट जोन आपका ब्रेक डाउन होगा, वो बेरेज जो आपका टूटेगा, टूटने के बाद वहाँ से आपकी मसल ग्रोथ की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान रखो इस चीज़ का। हमने कर ली स्टार्टिंग में साइड रेस, 4 सेट निकाले, 3 आपके नॉर्मल, 1 लास्ट आपका निकाला ड्रॉप सेट। तो अब हम करेंगे अपराइट बाबल और साथ में सुपर सेट करेंगे अपराइट बाबल के साथ शोल्डर मिलिट्री प्रेस का, ठीक है। इसके 3 सेट कर सकते हैं आप, 4 भी कर सकते हैं आप, 5 से ज़्यादा मत जाना, ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, 3 या 4 सेट बहुत हैं, रेपिटेशंस आप इसमें रह सकते हो 10 से 12, ठीक है। तो आप परफॉर्म करते हैं हम सुपर सेट बाबल अपराइट एंड न्यूट्री प्रेस का।
और एक बात याद रखना, इनहेल एक्सहेल जरूर करो। जब भी आप इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो तो ज़्यादातर इस चीज़ का ध्यान रखना इनहेल एक्सहेल का, वरना ब्लैकआउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं भाई। अब हम करेंगे केवल फ्रंट प्रेस। देखो हमने दो डेल्ट्स की ट्रेन कर लिए एक्सरसाइज, ठीक है, एक कर लिया इंटीरियर का। अब करते हैं दोबारा एक इंटीरियर का एक्सरसाइज। आप करेंगे केवल फ्रंट प्रेस रैप्स 10 से 12। जब भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करा करो आप, देखो ये सब स्पीड में करना, ये सब स्पीड में करना, ये सब स्पीड में करना, यार ये आपकी मसल ग्रोथ नहीं करता। फुली मसल टू माइंड फ्लेक्शन करके स्लो स्लो रैप्स निकालो, चाहे आज ही निकालो बेशक कोई दिक्कत नहीं, चाहे लाइट वेट से निकालो वो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर मसल टू माइंड कनेक्शन साथ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इतनी अच्छी आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है। खाली आपकी बॉडी पंप होती है, घर जाते हो फुस जाते हो, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप वर्कआउट करने आओ फुल फोकस एंड विद मसल टू माइंड कनेक्शन साथ वर्कआउट करो। किसी को मत देखो आप ढाई के डंबल से आपको अच्छा पंप मिल रहा है, अच्छी मतलब मसल टू माइंड अच्छा आपका कनेक्ट हो रहा है ढाई के डंबल, तो करो। ये मत देखो कि सामने वाला क्या बोल रहा है कि यार अच्छी बॉडी होने के बाद भी ये ढाई से कर रहा है, भाई 10 से उठाने के, ठीक है। तो इसे फोकस मत करो ओरो पे, ओरो का हमें कहना कह के चले जाएंगे और आपकी बॉडी जो बनती बनती वो भी रह जाए, ठीक है। तो हम करते हैं इंक्लाइन और सॉरी अब हम करते हैं केवल फ्रंट प्रेस, ठीक। एंगल थोड़ा 45 डिग्री होना, कोर आपका इसमें टाइट रहना चाहिए, कोर स्क्वीज करके टाइट और अपने कोर को थोड़ा टाइट रखें। ये है एंटीरियर की एंटीरियर डेल्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बैक रॉड। हमने दो इंटीरियर दो आपका रेटर कर लिए, अब करेंगे दो पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर आपकी इस बैक मसल को बोलते हैं शोल्डर की। वेट साधन सा रेपिटेशन 10 से 12 सेट 3, और इसमें ज़्यादा हैवी में कभी मत करना, लाइट ही रखना। अगर आप नॉर्मल 20 उठाते हो तो खाली इसमें 10 ही रखना, ठीक है, वरना नेक में इंजरी हो सकती है छोटी सी गलती कारण। इनहेल एक्सहेल। अब हमने अपनी बैक रोड भी कर ली है, अब इसके बाद हम करेंगे फेसफुल। फेसफुल में कितने रैप, वही 10 से 12 रैप। वेट स्वाद अनुसार आपका। इनहेल एक्सहेल कंपल्सरी। Oh.